नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने बेंगलुरु की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की अमूल्य के संबंध नक्सलियों से बताए हैं और कहा कि उसको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। येदियुरप्पा ने कहा कि उसके पिता ने भी कहा है कि वो उसको नहीं बचाएंगे, इसलिए उसको उचित दंड मिलना चाहिए। बता दें, अमूल्य नाम की लड़की ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए थे। बेंगलुरु में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ एक रैली के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके साथ ही उस पर पुलिस ने राजद्रोह का केस भी दर्ज कर लिया है। अमूल्य नाम की इस लड़की ने गुरुवार को रैली के मंच से नारेबाजी की थी। AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यह रैली आयोजित की थी। अपने मंच से ऐसे नारे लगने के बाद ओवैसी ने इसकी निंदा की और कहा कि वो जब नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे तभी यह नारेबाजी हुई और उन्होंने तुरंत उसे रुकवाया। बुधवार को चेन्नई में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ मार्च निकालने के मामले में 38 इस्लामिक नेताओं के खिलाफ लगभग 15,000 बाकी लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन लोगों पर बिना अनुमति के मार्च निकालने का मामला दर्ज किया गया है। बता दें, बुधवार को चेन्नई में हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया था और तमिलनाडु विधानसभा में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की मांग की थी। पाकिस्तान को एक बार फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने ग्रे लिस्ट में ही रखा है। उसकी लाख कोशिशों के बावजूद उसको कोई राहत नहीं मिली है। इसके साथ ही उसको 8 पॉइंट्स वाली एक लिस्ट दी गई है, जिसको अगर पाकिस्तान अगले 4 महीने में पूरा नहीं करता है तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इस बार FATF ने पाया कि पाकिस्तान को जिन 27 पॉइंट्स पर ध्यान देने के लिए कहा गया था उनमें से 13 पर ठीक से काम नहीं किया गया और गंभीर चिंता भी जताई। बता दें, दुनिया में केवल ऐसे 2 देश हैं अभी जो ब्लैक लिस्ट में हैं, वो हैं ईरान और नॉर्थ कोरिया। भारत आने से पहले एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत व्यापार के मामले में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। ट्रंप ने कहा कि वो भारत जा रहे हैं और व्यापार के बारे में भी बात करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत सालों से अमेरिका के साथ व्यापार के मोर्चे पर अच्छा व्यवहार नहीं करता आया है और विश्व में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हैं। ट्रंप 24 फरवरी को 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं। भारत आने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार अपने स्वागत को लेकर लंबे लंबे दावे कर रहे हैं। इस बार उन्होंने आंकड़ा 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ पर पहुंचा दिया है। ट्रंप ने कहा कि भारत में उनके स्वागत के लिए 10 मिलियन लोग आएंगे। इससे पहले वो 50 लाख और 70 लाख लोगों का दावा कर चुके हैं। इसके बाद RJD के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने तंज कसते हुए कहा है कि क्या भाई साहब, बच्चे की जान लोगे क्या? 7 मिलियन ही नहीं बन पा रहा था और अब आप अफसाने को 10 मिलियन पर ले गए हैं। JDU से अलग किए गए प्रशांत किशोर ने आज बात बिहार की कैंपेन को लॉन्च कर दिया। इस कैंपेन के जरिए प्रशांत किशोर युवाओं को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। कैंपेन का मकसद उन युवाओं को जोड़ना है जो अगले 10 से 15 सालों में बिहार को देश के शीर्ष 10 राज्यों की सूची में लाना चाहते हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने विपक्षी दलों के नेताओं से भी मुलाकात की। उन्होंने बिहार कांग्रेस के चीफ मोहन झा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी, RLSP के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा और विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश साहनी से भी मुलाकात की। AIMIM नेता वारिस पठान के विवादित बयान के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जवाब देना हम भी जानते हैं। इसके अलावा RJD के नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि वारिस पठान को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बता दें, वारिस पठान ने कहा था कि 100 करोड़ पर 15 करोड़ भारी पड़ेंगे। महिला T20 विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को 17 रनों से हराकर पहले जीत दर्ज की। भारत की तरफ से स्पिन गेंदबाज पूनम यादव ने ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ला दिया और 19 रन देकर 4 विकेट झटके। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत ने उसको 133 रनों का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में कंगारू टीम 115 रनों पर ही सिमट गई। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रॉस टेलर ने आज भारत के खिलाफ जारी पहले टेस्ट मैच में उतरते ही इतिहास रच दिया। वो दुनिया के ऐसे पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिसने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 या इससे ज्यादा मैच खेले हैं। आज उन्होंने अपना 100वां टेस्ट मैच खेला। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन के बेसिन रिसर्व मैदान पर खेला जा रहा है। बारिश के कारण पहले दिन का आखिरी सेशन का खेल धुल गया है। भारत ने चार तक 5 विकेट पर 122 रन बना लिए थे। इससे पहले न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। अजिंक्य रहाणे 38 और ऋषभ पंत 10 रन बनाकर क्रीज पर हैं।
अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।